हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि देखो, हमने प्रीवियस में दो नंबरों का रेशनलाइजेशन सीखा था। अब ये देखो, डिनोमिनेटर में तीन नंबर आ गए हैं, तो इन इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये एमसीक्यू दे रखा है, दो क्वेश्चन हमने देखो। फाइनल एग्जामिनेशन में कुछ भी आ सकता है, आप ये मत सोचिए कि केवल एनसीईआरटी आएगा, ये भूल जाइए, ठीक है। 40% आई थिंक एनसीईआरटी आप आता है, बाकी रिमेनिंग बाहर से ही आता है। तो बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि मतलब इस टाइप के भी क्वेश्चंस आना चाहिए। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन इस टाइप के क्वेश्चनों की, तब तक हम नहीं सॉल्व कर पाते। तो देखो, अब करते हैं। जैसे हमारे पास देखो ये नंबर दे रखा है, हमें बताना है कि रेशनलाइज इनको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आना चाहिए। मतलब यहाँ पर सिंप्लीफाई क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर है ही नहीं। ये सॉल्व करने के बाद फाइनल हमारा क्या आया, न्यूमरेटर ही आया है। इसका मतलब रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा, हमें ये सोचना है, हमारी थिंकिंग यही होनी चाहिए। कि अब यहाँ पर देखो, देखने से लग रहा कि रूट टू रूट थ्री माइनस रूट फाइव है, तो हम सोच सकते हैं हाँ ये क्या किया है, इसको एक मान लिया है और ये माइनस यहाँ पर लेके मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दिया। इतना तो बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो जैसे हम देखो इस करते हैं पहला क्वेश्चन, जैसे टू रूट सिक्स डिवाइड बाई रूट टू प्लस रूट थ्री। अगर मानो केवल यही होता तो क्या करते, रूट टू माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई ये कर देते। लेकिन यहाँ पर तीन नंबर आ गए, तीन टर्म्स आ गए, तो इसको क्या करना है, यहाँ पर क्या है प्लस रूट फाइव है, तो इसको हम सॉरी इसको हम ए कंसिडर कर सकते हैं और इसको बी कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे हम रेशनलाइज कर सकते हैं, मतलब रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव से मल्टीप्लाई रूट थ्री से। आई बात समझ में, इस पूरे टर्म को ए कंसिडर करके इसको बी, तो इसको हम यहाँ पर प्लस था तो माइनस साइन लेके रेशनलाइज कर लिया हमने। आई बात समझ में, तो बहुत आसान है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आपकी थिंकिंग यही होनी चाहिए कि किसी दो को कंबाइन करके वन बना लो और तीसरे को बी बना लो। सॉरी, तो अब देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चाहिए क्या हो जाएगा, टू रूट सिक्स इंटू रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव, ठीक है। अब ये क्या होगा, आइडेंटिटी यूज कर लो, इसको एक बना लिया, तो ये क्या काम कर रहा सॉरी ये ए का काम कर रहा है, ये बी का, ए का बी का, तो आइडेंटिटी बन गई रूट टू प्लस रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसको इसको नहीं छेड़ना है, क्यों नहीं, क्योंकि देखो यही हमारा आंसर मतलब मैच हो रहा है, तो इसको तो ऐसे लगता है ये कटने वाला है। तो ऐसी थिंकिंग आपके अंदर आनी चाहिए, मतलब ये कैंसिल होने वाला है, देखो कैसे, क्योंकि ये तो यही आने वाला है, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रखने दो। तो देखो डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, टू रूट सिक्स और ये रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव, और दिस वन विल गिव, देखो आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, ठीक है, रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू टाइम ए इंटू बी, मतलब रूट टू इंटू रूट थ्री, आएगा समझ में। और इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट फाइव का स्क्वायर क्या देगा, फाइव देगा, मतलब रूट फाइव का स्क्वायर निकलो, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, टू रूट सिक्स एंड रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव, ठीक है। अब ये क्या देगा, टू रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, टू होगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री देगा, और ये टू, और इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री, आई बस मान ली, और ये रूट फाइव का स्क्वायर माइनस फाइव, क्लियर है। तो अब यहां देखो टू रूट सिक्स और ये रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई, अब देखो ये कितना देगा, फाइव, और ये टू रूट सिक्स हो जाएगा माइनस फाइव, तो हमें देखो ये देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, हो गया। तो देखो यहां पर कर लेते हैं आगे, टू रूट सिक्स और ये क्या है, रूट टू रूट थ्री, ठीक है, ब्रैकेट में पूरा ये पूरा क्लोज है, और माइनस रूट फाइव, ठीक है। अब नीचे क्या बन गया, टू रूट सिक्स, ये कैंसिल हो गया, हो गए। तो फाइनली वी विल गेट रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव, ये हमारा फाइनल आंसर। तो देखो आप स्टूडेंट आ गया, तो कभी भी तीन नंबर का ऐसे दे रेशनलाइज, तो दो को कंबाइन करो,
एक बना लेंगे, ए मान लेंगे, जो रिमेनिंग थर्ड बचा उसको बी कंसिडर करके हम सॉल्व रेशनलाइज किया जा सकता है। ठीक है, आई थिंक सब बच्चे कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये थिंकिंग अप्लाई करना है आप लोग को। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। आई बस समझ के आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो देख नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में करा देता हूँ। ये भी हमारे पहले चैप्टर के मतलब जो हम एक्सरसाइज रेशनलाइजेशन कर रहे हैं उसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। तो अब देखो ये नेक्स्ट इसको बिटा दे। अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है ये, इफ ए देखो ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू क्या दे रखा है, ये स्क्वायर इक्वल टू नाइन दे रखा है। ठीक है, ये नाइन दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है। देन फाइंड ए का क्यूब वन बाई ए का क्यूब। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, तो हमें पता है पहले ये आइडेंटिटी आपको सोचनी पड़ेगी कि कहां से हम निकाल सकते हैं। तो देखो हमें पता वी नो दैट ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, यही होती है आइडेंटिटी। ठीक है, तो ए की जगह पर क्या है, ए है, और बी की जगह पर क्या है, वन बाई बी। तो अगर मान यही आइडेंटिटी यहां पर लगाते हैं ए बाई वन बाई ए का क्यूब, तो क्या देगा, ए का क्यूब प्लस वन बाई ए का क्यूब, यही मिलेगा। ठीक है, बी की जगह पर क्या है, वन बाई ए का काम कर रहा है, फिर थ्री ए इंटू वन बाई ए और ये ए प्लस वन बाई ए, ये आइडेंटिटी बन रही है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा। तो देखो ए प्लस वन बाई ए का क्यूब, ये क्या देगा, ए का क्यूब प्लस वन बाई ए का क्यूब। देखो ए से ए कैंसिल हो गया, काटो थ्री ए प्लस वन बाई ए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो बाकी हमारे पास ये वाला इसको इधर लेके आ जाओ, ए प्लस वन बाई ए का क्यूब माइनस थ्री टाइम ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू क्या होगा, ए का क्यूब प्लस वन बाई ए का क्यूब। तो हमें यही फाइंड आउट करना था। तो हमें यहां पर किसकी जरूरत है, ए प्लस वन बाई ए फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये यहां से हम कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, देखो तो हमें ये निकालने के लिए डायरेक्टली हमने फॉर्मूला एक डिराइव कर दिया, ए प्लस वन बाई ए का होल क्यूब माइनस थ्री टाइम ए प्लस वन बाई ए हो गया इसकी वैल्यू। तो हमें इसकी जरूरत है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। ये वाली वैल्यू कैसे निकाल सकते, देखो यहाँ पर तो हमें पता है ए प्लस वन बाई ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, नाइन। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब ये स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो ये ले लो ए प्लस वन बाई ए ऐसे करके देख लो। ठीक है, और ये अंडर रूट नाइन, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस वन बाई ए आ जाएगा, और ये आपका देगा, ये तुम्हारा थ्री आ जाएगा। वैसे प्लस माइनस होता है, लेकिन अभी हम आपको इसी मेथड से देखना होगा, प्लस माइनस होता है। अगर मान लो हम यहां पर इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, देखो मैं एक तरीका बता देता हूं, जैसे ये बेसिकली यहां पर प्लस माइनस आएगा, ये ध्यान रहे, मतलब ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू प्लस थ्री भी हो सकती है, और ये ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू जो होती है माइनस थ्री भी होती है। ठीक है, ये प्लस माइनस थ्री आता है। तो अब यहां पर देखो ध्यान से, तो ये बात समझ में आई थी। अब देखो मैं बताना चाहूंगा कि ये बेसिकली बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये प्लस माइनस थ्री आया कैसे, तो देखो मैं बता देता हूँ, इसको मिटाते, देखो आपको समझ में आ गया प्लस माइनस थ्री आ रहा है, तो ठीक है। तो देखो आया कैसे, अगर मान लो कुछ देर के लिए मैं एक्स मान लू, इसको पूरे को एक्स स्क्वायर बाई नाइन हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, तो अब आइडेंटिटी बनेगी, ये इसको क्या लिखते हैं, थ्री का स्क्वायर लिख सकते, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, एक्स का स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना, नाइन को क्या लिख सकते हैं, थ्री का स्क्वायर। तो फाइनली वी विल गेट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो होगा। तो देखो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, थ्री एंड एक्स इक्वल टू माइनस थ्री आया। एक्स क्या था मेरे पास, ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू थ्री, ठीक है,
और a प्लस वन बाई ए इक्वल टू माइनस थ्री। तो ऐसे हमारी दो प्लस माइनस थ्री आते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, आई बात समझ लिए, आई बात समझ लीजिए, ठीक है। तो ऐसे डिराइव किया गया है प्लस एंड माइनस थ्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ए प्लस वन बाई ए जो देगा प्लस माइनस थ्री दे देगा, ठीक है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो देखो चाहे प्लस, अब यहाँ पर देखो तो दो पर वैल्यू है, वन बाई ए इक्वल टू थ्री एंड ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू माइनस थ्री आ गया। तो अब देखो दोनों पर इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, अब हमारे पास इसके देखो इसकी वैल्यू निकालो, हमें क्या निकालना था, पहले हम इस पर निकालेंगे, ठीक है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट ये रहेगा, केस फर्स्ट एंड केस टू ये, ठीक है, लेके चलेंगे। तो केस फर्स्ट में इसकी वैल्यू निकालो, ए क्यूब वन बाई ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए प्लस वन बाई ए का क्यूब माइनस थ्री टाइम ए प्लस वन बाई ए। तो इसकी आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, देखो इसकी देखो थ्री वाले को ऊपर थ्री का क्यूब माइनस थ्री टाइम ये आ जाएगा थ्री, मतलब हम प्लस वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो क्या ए, तो ये थ्री का क्यूब कितना देगा, ट्वेंटी सेवन देगा, माइनस ये नाइन देगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए कितना आ जाएगा, एटीन, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर एटीन हो जाएगा, ठीक है, आई बस समझ में। अब माइनस थ्री भी पुट कर सकते हैं, देखो माइनस थ्री यहां पर पुट कर लेते हैं। दूसरा केस क्या बनेगा, केस टू, केस टू में क्या होगा, a इक्वल प्लस वन बाई ए इक्वल टू माइनस थ्री। तो हम पता है a क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब का आइडेंटिटी हमने अभी डिराइव किया है, क्यूब माइनस थ्री टाइम a प्लस वन बाई ए। तो इसकी वैल्यू पुट कर लो, माइनस थ्री का क्यूब फिर माइनस और ये माइनस थ्री, ठीक है, यही हमने पुट किया, a प्लस वन बाई ए की वैल्यू माइनस थ्री पुट करनी है। तो ये देखो माइनस ट्वेंटी सेवन देगा, क्योंकि देखो नेगेटिव टाइम है, क्योंकि माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस मतलब नाइन देगा इंटू माइनस थ्री, तो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो फाइनली वी विल गेट माइनस ट्वेंटी सेवन, आई बस समझ में। अब क्या हो गया, ये प्लस नाइन देगा, ठीक है, प्लस नाइन देगा, तो ये कितना हो गया माइनस एटीन आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस एटीन, बट यहाँ पर आया नहीं, तो इन्होंने क्या किया, प्लस साइन कंसिडर करके ही इसकी वैल्यू डिराइव किया है, ठीक है, आई बस समझ में। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो यहाँ पर दो ऑप्शन भी दे सकते थे, ठीक है। तो देखो और भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इस पर बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मतलब जरूरी नहीं केवल यही पूछेगा आपसे, ठीक है, ये भी पूछ सकता है फाइंड ए का स्क्वायर वन बाई ए का स्क्वायर, ठीक है, दूसरा पूछ सकता है ए की पावर फोर वन बाई ए की पावर फोर, ठीक है, थर्ड हम पूछ सकते हैं ए की पावर एट वन बाई ए की पावर एट। तो ये बहुत हाई लेवल की बात है, मतलब ये दो हम सीखते हैं, ठीक है, आई बस समझ में। और भी पूछ सकता है, थर्ड ए वन बाई ए का क्यूब पूछ सकता है, ठीक है, और ये ए का क्यूब वन बाई ए का क्यूब पूछ सकता है। तो बहुत टाइप के क्वेश्चन पैटर्न बनते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस टाइप के पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर पहले ये कर लेते हैं, तो हमें पता है वी नो दैट, इसको तो हमने कर लिया, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू प्लस माइनस थ्री आ जाएगा, ठीक है, तो दो वैल्यू आएगी। तो पहले हम केस इस पर लेके चलते हैं, पहला केस हम बनाते हैं ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू थ्री पर, थ्री पर लेके चलते हैं हम पहले, ठीक है। तो देखो पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता है यहीं से निकाल सकते हैं, देखो a प्लस वन बाई ए का स्क्वायर क्या था, नाइन था, तो अब दोनों तरफ स्क्वायर ही करो, वन बाई ए, वन बाई ए का स्क्वायर और प्लस टू इंटू ए इंटू वन बाई ए, आइडेंटिटी यूज कर लिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस टू टाइम a इंटू बी, तो वही किया है, b की जगह क्या है वन बाई ए इक्वल टू नाइन, तो ये क्या है a से कैंसिल हो गया, काटो, ठीक है, तो ए का स्क्वायर प्लस वन बाई ए का स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू नाइन, आई बस समझ में। तो ये क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर वन बाई ए का स्क्वायर, ये क्या नाइन माइनस टू, तो वी विल गेट वन बाई ए का स्क्वायर सेवन, ठीक है, आई बस समझ में। तो हमें इसकी वैल्यू कितनी आ गई सेवन, ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब स्टूडेंट पूछेंगे कि मतलब ये कैसे करेंगे, तो ये जस्ट इसी के हेल्प से कर सकते हैं, देखो कैसे,
जैसे हमें पता है वी नो दैट ए प्लस वन बाई ए का स्क्वायर कितना है, सेवन है। स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड वी विल गेट। देखो दोस्त, इसका स्क्वायरिंग करेंगे क्या आएगा, वन बाई ए का स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे, सेवन का स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर मतलब फोर हो जाएगा, वन बाई, देखो सिंपल सी बात है, ए का स्क्वायर प्लस वन बाई बी का, वन बाई बी का स्क्वायर, बी के स्क्वायर की जो क्या टू प्लस टू टाइम ए का स्क्वायर वन बाई ए का स्क्वायर इक्वल टू 49। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको काटो खच खच, तो ए की पावर फोर प्लस वन बाई ए की पावर फोर, ये प्लस टू देगा और ये 49, तो काटो ए की पावर फोर वन बाई ए की पावर फोर क्या मिलेगा, 49 माइनस टू, तो वी विल गेट ए की पावर फोर वन बाई ए की पावर फोर, ये क्या आएगा आपका 47। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 47, ठीक है, आई बस समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहां पर देखो, जैसे मतलब ये तो हो गया, ये भी आ गया, अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका अगेन स्क्वायरिंग कर लो, देखो इसका अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए की पावर एट, ठीक है, ए की पावर एट प्लस वन बाई ए की पावर फोर प्लस टू बचेगा, टू इंटू इसको उधर लेके जाओ, इसका स्क्वायरिंग से माइनस कर देंगे, तो फाइनली इसका जो आंसर मिल जाएगा आपको, इसका आंसर मिलेगा 47 का स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ गए, आई थिंक आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं।